हेलो दोस्तों, महनी चौधरी। देखिए, मेरी घर पे लगभग ये 10 से 15 मेरे भाई बहन रखे हुए हैं और सभी मेरे कुछ डबल सुपर में हैं, कुछ सिंगल सुपर में हैं। अब मैं इस बॉक्स को चेक कर रहा था और मैंने चेक किया, देखा कि इसके अंदर क्वीन लेस हो गया। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम रही, लेकिन इसके अंदर क्वीन नहीं थी। और जबकि इसके ऊपर सुपर लगाया, सुपर के अंदर हनी भी काफ़ी अच्छा स्टोर है। अब हमारे पास पहले से ऑलरेडी क्वीन थी, तो हमने उस क्वीन को निकाल के, जो हमारे मिनी बॉक्स हैं छोटे वाले, और उससे जो है हमने इसमें लगा दिया। अब ये बॉक्स हमारा मान के चलिए कि अब रेडी हो गया फिर से हनी का अच्छी पैदावार करने के लिए। तो क्वीन अगर हमारे पास पहले से ऑलरेडी हम तैयार रखते हैं, तो हमें इतने उसके बेनिफिट मिलते हैं समय समय पर, उस पूछो मत। अगर हम इसको क्वीन बनने पर छोड़ देते कि अपने आप इसके अंदर क्वीन बन के चल जाएगी, तो हमारा जो 15-20 दिन का सीज़न बचा है, वो सारा सीज़न हमारा लॉस में चला जाता। और क्वीन अगर हम पहले से एडवांस रखते हैं, तो हमारा ये सीज़न बिल्कुल, जो 15 दिन का हमारा अभी सीज़न है, 20 दिन का मार्च का, उसके बाद लीची का भी है, तो ये हमें दमदार प्रोडक्शन हमें इसका मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने नई क्वीन को लगा दिया है। मधुमक्खियों ने इसको फीडिंग कराना भी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, क्वीन का कुछ लोग बोलते हैं कि क्वीन बड़ी महंगी होती है। क्वीन का कोई महंगा नहीं होता, मधुमक्खी पालन के अंदर कीमत है तो समय की कीमत है। अगर सही समय पर सही काम कर लिए जाए, सही डिसीजन लिए जाए, सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, तो कभी कोई दिक्कत आती ही नहीं है इसके अंदर। देखिए, बाकी बॉक्स भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, करीब करीब इसने अपना 50% जो है ना सुपर कंप्लीट कर दिया था। पता नहीं कोई एक्सीडेंटल हुआ, केस की क्या हुआ, जिस वजह से ये क्वीन हमारी इसके अंदर डैमेज हो गई। अब क्वीन हमारे पास थी, तो उसका हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला। तो दोस्तों, क्वीन हमेशा एडवांस रखो। अगर नहीं रख पाते हैं तो कोई नहीं, हमारे बहुत से बीकीपर हैं जो क्वीन सेल करते हैं, हम भी सेल करते हैं, तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद सर।